ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता पा रही हो? अब मुझे चिंता होने लगी है रेहान, बताओ मुझे। अब जो मैं बात कहने जा रही हूं वो बात थोड़ी परेशानी वाली है, पर तुम्हें पता होना चाहिए और इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूं। क्या हुआ? तुम किस बारे में बात कर रही हो रेहान? या हम पिछले हफ्ते जब चेकअप के लिए गए थे, जब तुम केमाल के साथ थे, तब डॉक्टर ने मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में बताया। कैसी प्रॉब्लम बताओ? तुम किस बारे में बात कर रही हो बोलो। बुरी खबर है ना? बहुत बुरी, बहुत ज्यादा बुरी खबर है। मैं जानता हूं मुझे उस दिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे तुम्हें उस दिन अकेले जान ही नहीं देना चाहिए था। ये मेरी गलती है। एमिर, एमिर। डॉक्टर ने क्या कहा बताओ जल्दी, डॉक्टर ने क्या कहा? वो दर्द, चक्कर आना, वो सब बेवजह नहीं हो रहा था। वो कमजोरी उस सब के पीछे वजह थी एमिर। मेरा मतलब मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है एमिर। कैसे रेहान? मैं तुम्हें इस बारे में बताने का रास्ता ढूंढ रही थी। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, पर ये आसान नहीं है मेरे, बिल्कुल भी नहीं। रेहान अब बोल भी दो, मुझे चिंता हो रही है, बोलो क्या बात है? वादा करो तुम शांत रहोगे। मैं नहीं कर सकता, मैं तुमसे किसी भी चीज का वादा नहीं कर सकता। बताओ मुझे, बोलो रेहान। अगर मैंने बच्चे को जन्म दिया तो मेरी मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी।
आप अभी तक सोए नहीं? इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बस जा ही रहा था। गुड नाइट। गुड नाइट भाई। गुड नाइट। नारिन तुम भी ना, दिमाग खराब है तुम्हारा। तुम उसके कमरे में जाने वाली थी। मैंने खुद को बेवकूफ साबित कर दिया। शर्म आ रही है अब मुझे। एक काम करो, किसी और चीज के बारे में सोचने की कोशिश करो जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाए। इसका मतलब है तुम मेरा घाव सिलने वाली हो? चिंता मत करो, मैं स्टिचिंग में अच्छी हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये कोई फटा हुआ कपड़ा है? मुझ पर यकीन रखो प्लीज। अगर तुम डरे हुए हो तो देखो ये सब दिमाग से निकाल दो। किसी अच्छी चीज के बारे में सोचो, उससे तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। तुम मेरा घाव सिलने वाली हो? हाँ मैं सिलने वाली हूँ और तुम अच्छी चीज के बारे में सोचने वाले हो। अपनी बेटी के बारे में सोचकर तुम्हें अच्छा लगता है ना? अगर मसल को कॉल करेंगे तो वो चिंता करेगी। मैं तुम्हें शांत रहने के लिए कह रही हूँ और तुम उसकी वजह से परेशान हो रहे हो। ठीक है मसल के बारे में मत सोचो, कुछ और सोचो जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो, सुकून मिलता हो, कोई तो चीज होगी। बस हो गया। अब ठीक लग रहा है? तुम बस 2 सेंटीमीटर से बच गए, नहीं तो हम ये सब इस कंडीशन में नहीं कर पाते। हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ जाता। और हम हॉस्पिटल कैसे जाते? तुम बहुत लकी हो। मुझे तुम्हारी पल्स चेक करनी होगी। तुम्हारी पल्स तो खून बहने के बावजूद भी बहुत तेज चल रही है। जब तुम घाव सिल रही थी तो मेरा एड्रेनलिन बढ़ गया। तुमने खुद को अच्छे से संभाला।
रेहान इसका क्या मतलब है? कैसे बोलो? ये सब बातें जो तुमने मुझसे अभी कही, क्या ये सब उस दिन हुआ था? हमने उसके बाद भी बात की थी। कैसे? लेकिन जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हर प्रेगनेंसी में कोई ना कोई दिक्कत आती है। शायद डॉक्टर भी तुमसे यही कहना चाह रहा होगा, पर तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इसलिए ये सब अपने दिमाग में। पहले मैं भी इस बात को नहीं मान पाई थी और इसलिए मैंने सारे टेस्ट दोबारा करवाए, पर दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं बदला है। मिसेस सेवदा और बाकी सब, उन्होंने सबसे कंसल्ट किया, एग्जामिन किया, पर उनसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम्हारा मतलब अगर तुम जन्म दोगी तो तुम पर अपनी जान गंवाने का खतरा होगा? बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, ये गलत है। नहीं, मैं पिछले एक हफ्ते से तुम्हें इस बारे में बताना चाहती हूँ, पर नहीं कर पाई। प्लीज माफ कर दो मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कंधों पर किसी तरह का बोझ है। मेरे यहाँ मेरे बच्चे और मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। रात थी है ना, तुम कंफर्टेबल हो? मैं कंफर्टेबल हूं और बिल्कुल ठीक हूं, चिंता मत करो। मुझे लगता है हमें शांत रहना सीखना होगा। अगर अभी ये हालत है तो लेबर वाले दिन क्या होगा? क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। कोई तो बात है, या तुम जन्म देने से डर रही हो? अगर ऐसा तो शेयर करो मुझसे। बिल्कुल नहीं। तुम शायद डर रही हो, पर यह बहुत नॉर्मल है। और मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो, चलो एक वादा करते हैं। जब हमारा बच्चा पहली बार बोलेगा तो मैं उसके पास रहूंगा। ठीक है। सोच कर देखो, वो अपनी आंखें खोलकर हमें देखेगा। वो तुम्हें उसे तुम्हारी गोद में देंगे और उसके बाद वो रोएगा, है ना? पता है सब क्या कहते हैं? सब कहते हैं कि बच्चे का रोना बहुत जरूरी होता है।
पर फिर वो शांत हो जाएगा और तुम उसे अपनी गोद में लोगी। सब कुछ कितना परफेक्ट होगा रेहान। हे रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? बस थोड़ी इमोशनल हो गई थी मैं, और कुछ भी नहीं। चिंता मत करो। देखो रोने की कोई बात नहीं, बच्चों को कोक के अंदर हर एक चीज का एहसास होता है कि माँ क्या फील कर रही है। क्या वो नहीं पूछेगा कि आखिर मेरी माँ रो क्यों रही थी? वो यही सोचेगा कि इसकी वजह मैं हूं, और मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नाराज हो। सब कुछ हो तुम, मेरी जिंदगी हो रहे हाँ, मेरी जिंदगी। तुम अकेली इतना बड़ा बोझ कैसे उठा सकती हो? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम मुझे अब बता रही हो। देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेली नहीं हो, यह बात जान लो, तुम अकेली नहीं हो, ठीक है ना? मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो रेहान। रेहान डरने की जरूरत नहीं है, तुम डरो मत। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम इतनी परेशान क्यों थी। जब तुम इस मुश्किल दौर से गुजर रही थी तो मैंने तुमसे क्या कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कर दो रेहान, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये सब होगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक बार तुम्हारी प्रेगनेंसी को खत्म कर दे, उसके बाद हम दोनों मिलकर इस सबसे उभर जाएंगे। मैं वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे फैसले के खिलाफ जाऊंगा? ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम्हारे साथ हूं रेहान। बिल्कुल मुझे दुख हो रहा है क्योंकि ये हमारा हिस्सा है, पर तुम मेरी जिंदगी हो, तुमसे ज्यादा कुछ भी नहीं है रेहान, तुम सब कुछ। सुनो एमिर, मेरी बात सुनो। जिस तरह हमने हर चीज का सामना किया, हम इसका भी सामना कर लेंगे, मैं वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। एमिर, रेहान देखो, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचने दे सकता, मुझसे नहीं होगा। मैं बच्चे को रखने वाली हूँ। मैं आ सकती हूँ? मैं सोने जा रही थी, पर मुझे तुमसे बात करनी है। जब तुमने कहा कि तुम यहां मसल के लिए आई हो और तुम्हारा कोई इरादा नहीं है, तो मेरी मदद करो। अब मैंने
मैंने शायद सही नहीं सुना रेहान, तुमने ऐसा कहा कि तुम बच्चे को रखने वाली हो, क्या मैंने सही सुना? एमिर रेहान, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ, तुम इसे कैसे रख सकते हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नहीं, देखो, मैं जानती हूँ। मेरी बात सुनो, सुनो, डॉक्टर ने कहा कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, और तुमने तुमने ये भी कहा कि उन्होंने दोबारा टेस्ट भी किए हैं। हाँ, इस सब के बावजूद भी तुमने ये फैसला किया? प्लीज, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं कई दिनों से सोच रही हूँ, पर मैं नहीं कर पाई है मेरे। बुरा सपना? हाँ, ये जरूर एक बुरा सपना है, ये नहीं हो सकता। तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? क्या मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ? हाँ रेहान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, समझ गई? तुम समझिया नहीं रेहान, अगर अगर मौत कभी आई तो उससे सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, चुप हो जाओ। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुमसे ही मेरी पूरी जिंदगी है, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डालने दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, समझी? मैं ऐसा नहीं हो सकता रेहान। जिस भी चीज से तुम्हें तकलीफ होती है उसी चीज से मुझे भी तकलीफ होती है। मैं तुम्हारे बगैर इस दुनिया में नहीं जी सकता, और ना ही मैं जीना चाहता हूं। तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम अभी अच्छे मूड में नहीं हो और अच्छे से सोच भी नहीं पा रही हो। इसमें सोचने जैसा कुछ है ही नहीं। नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, भूल जाओ, ये ऑप्शन में ही नहीं है, समझ गई तुम? दिमाग से निकाल दो ये बात। इसके अलावा वैसे भी हम फ्यूचर में एक और बेबी नहीं कर सकते। अगर मैंने प्रेगनेंसी खत्म कर दी तो दोबारा हमारा बच्चा होना नामुमकिन है। कल मैं पेलिन को कॉफी के लिए बुला रही हूं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूं? अगर तुम्हारा इरादा अच्छा है और तुम मेरे भाई के लिए यहां नहीं आई हो, तो फिर जब पेलिन यहां आएगी तो तुम उसके मसल को लेकर पार्क जाएंगे, समझी तुम? और इसका कारण? कारण बहुत ही ज्यादा क्लियर है, पर मैं तुम्हें बता देती हूं, ताकि उन्हें अकेले रहने का ज्यादा समय मिल सके और वो करीब आ सके। सीधे शब्दों में कहूं तो उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका मिले। तो तुम क्या कहती हो नारिन, इसमें तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? चुप क्यों हो तुम? साथ दोगी या नहीं, या फिर यही रहना पसंद करोगी? ठीक है, मैं उस वक्त घर पर नहीं रहूंगी।
बहुत अच्छे। सैरिये वैसे भी जल्दी चली जाएगी, तुम, मैं और मसल हम भी उनके साथ निकल जाएंगे। गुड नाइट। मैं सोच रहा था कि मैं उसे फिशिंग सिखा दूंगा और उसके लिए एक छोटी सी फिशिंग रॉड भी लूंगा। ये अच्छा रहेगा। मेरा मतलब, लड़कियां अपने डैड से ज्यादा करीब होती है, इसलिए मुझे लड़की चाहिए। ऐसे कैसे? लड़का अपनी माँ से ज्यादा करीब होता है तो मुझे लगता है लड़का ही होगा। मुझे पता है, ये मेरा बच्चा है। जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे गाड़ी चलाना सिखा दूंगा, वो भी पूरी डिटेल में। जैसे कि मैं चाहता हूं कि वो ऐसी नानी के साथ बड़ा हो जिसे दो लैंग्वेजेस आती हो, इंग्लिश और फ्रेंच। एक नानी? बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद उसका ख्याल रख सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। एक बार इस प्रेगनेंसी से डील कर ले, उसके बाद हम एक साथ मिलकर इसका सामना कर लेंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगाना कि मैं तुम्हारे फैसले के खिलाफ जाऊंगा? रेहान, कभी ऐसा सोचना भी मत, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे अफकोर्स दुख हो रहा है क्योंकि ये हमारा हिस्सा है, पर तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो रेहान। ए मेरे, सुनो मेरी बात तो सुनो। हमने जिस तरह बाकी चीजों का सामना किया, इसका भी कर लेंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ सब ठीक होगा। ए मेर। रेहान, मैं तुम्हें कभी चोट पहुंचने नहीं दे सकता रेहान, तुम मेरी जान हो। मैं ये बच्चा रखने वाली हूँ।
खतरा, खतरा कितना बड़ा है? क्या कहा डॉक्टर ने? अगर मैं अबॉर्शन करवाती हूं तो दोबारा बच्चा नहीं कर पाऊंगी। ये प्रेगनेंसी अपना बच्चा करने का आखिरी मौका है, आखिरी चांस है। मैं ये मौका नहीं गंवा सकती। मैं जानती हूं, महसूस कर सकती हूं, हम बच जाएंगे। हम तुम्हारी फीलिंग या मन के भरोसे इतना इतना इंपॉर्टेंट फैसला नहीं कर सकते। एमिर, पर मैं, मुझे एक बात बताओ, खतरा कितना बड़ा है? ये छोटा नहीं है एमिर, ये बात को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं इसलिए क्योंकि वो इसकी, ये बहुत रिस्की है। सही कहा ना? तुम कह रही हो कि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है और तुम इतने यकीन से कैसे कह रही हो? मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज ऐसा मत कहो, कुछ भी बोल रही हो तुम। मुझे डिटेल में बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा, कितना बड़ा रिस्क है? प्लीज बताओ कितना रिस्क है। गलत है, मैं बच जाऊंगी, मुझे महसूस हो रहा है हम दोनों बच जाएंगे।
रेहान तुम ये क्या कर रही हो? रेहान, अगर तुम कह रही हो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम ये बच्चा रखोगी तो फिर तुम्हें मुझे पूरी बात बतानी होगी। मैं बच जाऊंगी, हम बच जाएंगे। मैं यहां से नहीं जाने दूंगी। तुम्हें खुद को संभालना होगा रेहान। तुम ये फैसला अकेले नहीं कर सकती हो, हम दोनों इस चीज में हैं। अभी तो ये बात समझना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारे बगैर जी पाऊंगा? क्या इस जिंदगी का कोई वजूद होगा? और इसका क्या, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बगैर, अपनी मां के बगैर तुम्हें लगता है ये अपनी जिंदगी आसानी से जी पाएगा? क्या तुमने इस बारे में सोचा है? अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम्हारी डॉक्टर बताएगी मुझे।